नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास ये वीवो का 91 है जिसमें हमारे प्रॉब्लम आ रही है। जैसे हम चार्जिंग लगाते हैं तो इसमें लिख के आ जाता है, आपको दिखा रहे एक बार हम इसको चार्जिंग पे लगा करके। दोस्तों हमने चार्जिंग लगा दिया है, इसके बाद हमारा चार्जिंग का सिग्नल आप देख पा रहे हैं शो कर रहा है, लेकिन ये बट हमारा चार्ज नहीं हो रहा है। इससे में देखो इसमें लिख के आ गया है अनएबल टू चार्जर, प्लीज़ कॉन्टेक्ट अलर्ट सर्विस। दोस्तों जब ये हमारा लिख के आ जाता है तो हमारा फ़ोन चार्ज नहीं होता है। दोस्तों इस समस्या को हम सॉल्व कर रहे हैं आपके सामने। दोस्तों सबसे पहले हमें चार्जर को हटा देना है, इसके बाद हमें इसको बैक कवर को ओपन करना है। दोस्तों इसको हमने फटाफट ओपन कर लिया है, इसके बाद हमें क्या करना है ये आपको हम आपके सामने दिखा रहे हैं। दोस्तों सेट को हमें इस मदरबोर्ड को बाहर निकाल लेना है। दोस्तों मैं आपको बताया था जैसे कि हमने सेट को ये नेटवर्क का जो पट्टा देख पा रहे इसको पहले निकाल देते हैं, इसके बाद ये हमारा मदरबोर्ड है इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। ये सारे पंच अपने आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों ये हमने मदरबोर्ड बाहर निकाल लिया है, इसमें हमने अपने मदरबोर्ड को निकाल करके दोस्तों सबसे पहले कैमरा को हम निकाल देते हैं क्योंकि हमें मदरबोर्ड को क्लीन करना है। दोस्तों हमने कैमरे निकाल दिए हैं, इसके बाद आप देख पा रहे हैं हमको ये जो मदरबोर्ड है इसमें हमें हार्ड गन की मदद या पेट्रोल थिनर से किसी से हम इसको अच्छे से क्लीन करते हैं और हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। दोस्तों तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे पास ये थिनर है जो हम आपको दिखा पा रहे हैं, हमारी दिक्कत है ये जो आप सील लगी हुई है इसको आप निकाल देंगे तब भी क्लीन कर सकते हैं या ऊपर से ही इसको क्लीन करते हैं आप थिनर या पेट्रोल की मदद से। अच्छे से मदरबोर्ड को एकदम फ्रेश करना है। कैमरा को हटाकर ही करें, कैमरा हमारा खराब हो सकता है। दोस्तों क्लीन करने के बाद करीब 2 मिनट तक इसे रोक कर ही मदरबोर्ड को कैम्बो में बांधें क्योंकि इसमें जब तक थिनर रहता है तब तक गर्म। दोस्तों हम दोबारा से पंच अपने कैमरे के कर ले रहे हैं। दोस्तों हमने अपने कैमरे दोनों पंच कर लिए, जैसे खोले थे सेम उसी तरीके से हमने अपने कैमरे पंच कर लिए हैं। इसके बाद अगर आपके पास हार्ड गन है तो हार्ड गन की मदद से इस वाले सिरे को आप अच्छे से हल्का हीट करके आप जो ये हमने थिनर से साफ किया है, थिनर 2 या 3 मिनट बाद उड़ जाती है जो उसमें पानी और थिनर की क्षमता है। दोस्तों हमने केवल अभी आपके सामने क्लीन किया है हमारा फ़ोन, एक बार हम मदरबोर्ड लगा करके चेक करते हैं, अगर हमारी समस्या का समाधान हो गया है तो हम चेक करवा रहे हैं आपको। दोस्तों जिस तरीके से हमने खोला था उसी तरीके से इसको हम पंच कर दे रहे हैं। दोस्तों ये हमारी सील लगी हुई है प्लास्टिक में, इससे हमारा नेटवर्क का ऑप्शन दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं करना, स्किप करोगे तो आप समझ नहीं पाओगे। दोस्तों पहले हम चेक कर लेते हैं हमारा समाधान हुआ या नहीं। दोस्तों ये चार्जर हमारा लगा हुआ है, चार्जर लगा करके हम एक बार देखते हैं।
दोस्तों चार्जिंग सिग्नल तो शो करने लगा है, अगर हमारा वो लिख के आ रहा है तो अभी देखते हैं। दोस्तों अभी भी लिख करके आ रहा है, दोस्तों मदरबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम है इस वजह से लिख के आ रहा है। दोबारा से हम इसे खोलते हैं, क्या करना पड़ेगा अभी हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने बताया था कि अगर इस समस्या का समाधान नहीं है तो हमें हमने मदरबोर्ड को दोबारा से दोस्तों पंच को आसानी से निकालना है, क्योंकि अगर पट्टी इसकी जो हट जाती है तो हमारा पंच जो है लगाने में थोड़ा दिक्कत होती है। दोस्तों इसको जैसे निकल गई है वैसे में चिपका देना है। दोस्तों हमने बताया था ये हमारा पंच निकल गया था, इसे हमने चिपका लिया। इसके बाद हम बैटरी और पंच को दोबारा से निकाल देते हैं। दोस्तों हमने बैटरी भी निकाल दी है और आप देख पा रहे हैं मदरबोर्ड जो हमारा लगा हुआ है इसे हम निकाल लेते हैं बाहर। दोस्तों हमने आपको बताया था इसको अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम अक्सर इसी जगह से आती है, तो इसको हम अच्छे से थिनर की मदद से क्लीन करते हैं। दोस्तों हमने बताया था इसी सिरे को सिर्फ क्लीन करना है, बाकी हमारा सारा कुछ सही होता है इसमें। ये सारे जे को एक साफ कर देते हैं। दोस्तों हार्डगन की मदद से इसे हम हल्का हीट भी कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हमने अच्छे से क्लीन किया है, वीडियो हमने स्किप नहीं किया है। दोस्तों हम सबसे पहले चेक करते हैं हमारी समस्या का समाधान हुआ है या नहीं। दोस्तों बैटरी को हमने जैसे निकाले थे वैसे ही पंच कर दिया है। इसके बाद अपना हम चार्जिंग लगा करके इसको फिर चेक कर रहे हैं। दोस्तों हमने चार्जिंग पिन लगा दिया है, चार्जिंग हमारा शो करने लगा है, देखते हैं लिख के आता है या नहीं आ रहा है। दोस्तों हमारी चार्जिंग सिग्नल शो करने लगा है। अब हमारे मोबाइल में जो चार्जिंग अनअवेल टू चार्जर्स बताता था वो अब कुछ भी नहीं बता पा रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया आपके सामने जो हमने किया है, दोबारा से हम चार्जर हटा करके लगा रहे हैं। दोस्तों सिग्नल देने लगा है, पहले हमारे लिख के आ जाता था अनेबल टू चार्जर सर्विस कॉन्टैक्ट लिख के आता था। दोस्तों हमारा चार्जिंग सिग्नल शो करने लगा है। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों हमारा फ़ोन कंप्लीट हो चुका है, इसको हम बांध करके दोस्तों स्क्रू जो हमारे हैं या नहीं है वो हम आपको लगा देते हैं। दोस्तों फिर हमारा मोबाइल कंप्लीट हो चुका है।